हेलो फ्रेंड्स, आपका लीगल एम्बर्स में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने राइट टू रिलीजियस फ्रीडम के बारे में, जो कि इंस्ट्राइंड है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक। हमने अपने पिछली दो वीडियो में बात की है आर्टिकल 25 और 26 के बारे में। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 27 से 28 के बारे में। ये जो वीडियो है ये है पार्ट 3 राइट टू रिलीजियस फ्रीडम सीरीज का। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आर्टिकल 27 जो है वो बात करता है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो हमारी पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो आर्टिकल 25 है उसमें जो स्टेट है हमारा वो एक सेकुलर स्टेट है। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है हमने वो भी उसमें बताया है। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करते हैं तो वो तो हमारा आर्टिकल 25 के या सेकुलरिज्म के अगेंस्ट होगा। तो इसीलिए आर्टिकल 27 में कहा गया है कि टैक्सेस जो मतलब जो स्टेट जो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्सेस जो इकट्ठा करती है पब्लिक फंड से पब्लिक से जो लेती है पैसे जो जमा करती है उससे जो टैक्सेस जमा की है वो जो पैसे होंगे वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने में यूज नहीं किए जाएंगे। क्यों नहीं यूज किए जाएंगे? वरना अगर वो यूज करते हैं तो वो तो सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट के खिलाफ ही होगा ना। ऐसे क्या होगा अगर प्रमोट करेगी स्टेट तो वो एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ होगी, ठीक। तो इससे क्या उस पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा मिलेगा और सब रिलीजन जो होंगे उनको नहीं मिल पाएगा। तो ये हमारे जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है उसी के अगेंस्ट होगा। तो इसीलिए आर्टिकल 27 में कहा गया है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब कि जो सिटीजन होंगे उन्हें कंपेल नहीं किया जा सकता कि आप टैक्सेस दें इस पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 27 इज टू सिक्योर दैट पब्लिक फंड रेज बाय टैक्सेस, मतलब जो पब्लिक पैसे देती है वो टैक्सेस जो एक्यूमुलेट किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा शैल नॉट बी यूटिलाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डिनोमिनेशन। रिलीजियस डिनोमिनेशन क्या होता है अगर आपको ये चीज नहीं मालूम तो हमारी आप सेकेंड पार्ट जो था उसमें देख सकते हैं, उसमें हमने बाकी रिलीजियस डिनोमिनेशन का मतलब क्या होता है। अब आर्टिकल जो हमारे 27 है इट में भी नोटेड दैट आर्टिकल 27 प्रोहिबिट द लेवाई ऑफ टैक्सेस एंड नॉट इम्पोजिशन ऑफ द फी। मतलब कि रिलीजन के नाम पे फी तो इम्पोज की जा सकती है मगर रिलीजन के नाम पे टैक्स एक्यूमुलेट नहीं किया जा सकता गवर्नमेंट द्वारा। दिस आर्टिकल मैंडेट दैट नो सिटीजन वुड बी कंपेल्ड, जो अभी तक बात आई हमने आपको, दिस आर्टिकल मैंडेट दैट नो सिटीजन वुड बी कंपेल्ड बाय द स्टेट टू पे एनी टैक्स प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। मतलब कि जो आर्टिकल 27 है उसके तहत आप किसी भी पर्सन को किसी भी सिटीजन को कंपेल नहीं कर सकते कि वो टैक्स दें किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए या मेंटेनेंस के लिए या किसी एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के मेंटेनेंस के लिए प्रमोशन के लिए। इसके बाद हम दो केस डिस्कस करते हैं जो इसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहला जो है वो है के रघुनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1947 हाईकोर्ट। यहाँ पे क्या हुआ था, इस केस में क्या हुआ था, कुछ हिंदू और मुस्लिम जो वर्शिप प्लेसेस थे वो दंगे में डिस्ट्रॉय होते थे एज रिजल्ट ऑफ कम्युनल राइट, मतलब कि दंगे जो हुए थे उनकी वजह से सब हिंदू एंड मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप वर डिस्ट्रॉयड। ठीक, द गवर्नमेंट एग्रीड टू मीट द कॉस्ट ऑफ रिस्टोरिंग दीज प्लेसेस टू द प्री रॉयड कंडीशंस। मतलब कि जो कम्युनल राइट्स हुए थे उसमें हिंदू और मुस्लिम के प्लेस ऑफ वर्शिप जो थे वो डिस्ट्रॉय हुए थे। तो गवर्नमेंट ने एग्री किया, ठीक है हम हेल्प करेंगे मुस्लिम्स और हिंदू के प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो थे उनको फिर से बनाने में, जो रॉयड के पहले की कंडीशन थी उस कंडीशन में फिर से लाएंगे उसको। तो अगर आप इतनी चीज देखते हो तो ये तो यानी कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट तो हेल्प कर रही है ना। तो आप ऐसे कह सकते हो कि प्रमोट कर रही है जो मतलब डिस्ट्रॉय बिल्डिंग्स हुई है, मतलब जो रिलीजियस प्लेसेस वो जो डिस्ट्रॉय किए गए हैं उनको फिर से बनाने में स्टेट मदद कर रही है, यानी कि हिंदू और मुस्लिम के स्टेट जो वो साथ में है। तो ये सेकुलरिज्म के खिलाफ होगा मगर ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहा गया था कि ये चीजें ये वैलिड है, दिस वाज हेल्ड वैलिड। द हाई कोर्ट सेड हाउसेस स्कूल्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप बिलोंगिंग टू बोथ रिलीजियस ग्रुप हिंदू एंड मुस्लिम वर डैमेज्ड एंड रिस्टोरिंग देम इन देयर ओरिजिनल कंडीशन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। मतलब
मतलब कि यहाँ पे हाई कोर्ट ने ये कहा जो ड्रॉइंग्स के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप है वो डिस्ट्रॉय हो गए, जो स्टेट है जो गवर्नमेंट है वो उनको बनाने में हेल्प कर रही है, प्री रॉयड कंडीशंस में लाने में हेल्प कर रही है। तो ये जो होगा ये इसका मतलब ये नहीं होगा कि स्टेट जो वो प्रमोट कर रही है या मेंटेन कर रही है पर्टिकुलर रिलीजन को, ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो हाईकोर्ट ने ये कहा कि हाउसेज स्कूल्स प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो कि मुस्लिम्स और हिंदूज को बिलोंग करते थे, अगर हम उसको रिस्टोर करते हैं देयर इज नो क्वेश्चन, वहाँ पे ये कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि हम प्रमोट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रिलीजन को या मेंटेन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर रिलीजन को। ऐसे ही एक और केस है राफिक भाई खान वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2012 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे क्या कहा गया था, जो हज सब्सिडी जो दी जाती है, हज पे जो लोग जाते हैं उनको कुछ हेल्प फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए सब्सिडी दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट इश्यूड डायरेक्शन दैट विद इन 10 ईयर्स हज सब्सिडी शुड बी स्टॉप। क्यों स्टॉप किया जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का उसके खिलाफ भी है। क्यों है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहा है ना। तो ये जो चीज है इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये सही नहीं है और इसे स्टॉप किया जाएगा। तो ये 2012 का जजमेंट आया, तो 2022 तक हर सब्सिडी जो दी जाती थी अभी तक वो स्टॉप हो जाएगी। जो कुरान है होली कुरान है उसमें कहा गया है टेकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू विजिट होली प्लेस इज नॉट एसेंशियल इंटीग्रल पार्ट। मतलब कि अगर ये जैसे हज पे लोग जाते थे तो ये तो एक मतलब जो मक्का मदीना है ये होली प्लेस है ना मुस्लिम रिलीजन में, मगर जो कुरान है होली कुरान है उसमें ये नहीं कहा गया कि हज पे जाना एक एसेंशियल इंटीग्रल पार्ट है, हर मुस्लिम को वहां जाना ही होगा, मैंडेटरी नहीं कहा गया, उसे एसेंशियल इंटीग्रल पार्ट नहीं माना गया है। इसीलिए अगर स्टेट चाहे तो उसको स्टॉप कर सकती है, इसीलिए 2012 में जजमेंट आया था जिसमें उसने हज सब्सिडी देना बंद कर दिया है और 2022 तक ये बंद जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 28 की। आर्टिकल 28 जो प्रोहिबिट करता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक, प्रोहिबिट ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जैसी चीज नहीं होगी, वो प्रोहिबिटेड है। आर्टिकल 28 जो है, आर्टिकल 20 इज कंफाइंड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन एडेड और रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट, मतलब कि आर्टिकल 28 जो है वो उन्हीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर अप्लाई होगा जो कि मेंटेन की जाती है स्टेट द्वारा या एडेड है, फाइनेंशियली एडेड है या रिकॉग्नाइज है स्टेट द्वारा। अगर वो स्टेट द्वारा नहीं है, इंडिपेंडेंट है वो, तो आर्टिकल 28 अप्लाई नहीं होगा। तो आर्टिकल 28 क्लॉज 1 जो है वो कहता है ये, सॉरी यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस होगा, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड। मतलब कि आर्टिकल 28(1) जो वो ये कहता है यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड है, मतलब कि स्टेट जो है वो पूरा पूरा पैसा दे रही है उनको रन करने में, मेंटेन करने में, वहाँ पे जो हमारी जो हमारी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी वो प्रोहिबिटेड है, कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ द स्टेट फंड। आर्टिकल 20(2) जो है वो एक्सेप्शन है आर्टिकल 28(1). आर्टिकल 28 जो वो ये कहता है प्रोवाइड्स दैट प्रोहिबिशन कंटेन्ड इन आर्टिकल 28(1) वुड नॉट अप्लाई टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन व्हिच इज एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड और हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर एनी एंडोर्समेंट ऑफ ट्रस्ट और ट्रस्ट। मतलब की जो हमारे एजुकेशन जो हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है वो अगर एडमिनिस्टर किया जाता है स्टेट द्वारा, मतलब मेंटेन किया जा रहा है, एडमिनिस्टर किया जा रहा है स्टेट द्वारा, मगर वो एस्टैब्लिश किया गया है किसी एंडोर्मेंट या ट्रस्ट के तहत, तो वो आर्टिकल 20(1) में जो कहा गया वो फॉलो नहीं करेंगे। इसके बाद आर्टिकल 20(3) में जो कहा गया है नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कंडक्टेड बाई दैट इंस्टीट्यूशन अनलेस सच पर्सन हैज गिवन कंसेंट। मतलब कि आप किसी पर्सन को फोर्स नहीं कर सकते कि आपको रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो होगा उसमें शामिल होना ही होना है, ठीक है, अटेंड करना ही करना है। वो कहता है आर्टिकल 20(3) नो पर्सन अटेंडिंग एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड टू टेक पार्ट। मतलब कि अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन करा रही है, ठीक है, और पर्सन जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं जो एजुकेशन ले रहे हैं वहाँ पे अगर वो नहीं चाहते कि हम वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अटेंड करें तो उन्हें फोर्स नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती नहीं कहा जा सकता कि आपको करना ही है उसे अटेंड। अगर वो चाहते हैं उनका कंसेंट है तब वो कर सकते हैं वरना नहीं कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 20(3) बात का है। तो हमारा आर्टिकल 28 जो है उसके अंदर चार तरीके के इंस्टीट्यूशन आते हैं। अभी तक आपने जो देखा था आर्टिकल 28(1, 2, 3) आर्टिकल 28 के तहत चार तरीके के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आते हैं। अंडर आर्टिकल 28 देयर आर 4 टाइप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सबसे पहला
वो इंस्टीट्यूशन जो कि होली मेंटेन्ड है बाय द स्टेट, और दूसरा वो इंस्टीट्यूशन जो कि एडमिनिस्टर किया जाता है स्टेट द्वारा मगर एस्टेब्लिश है वो किसी एंडोरमेंट या ट्रस्ट के तहत। थर्ड वो इंस्टीट्यूशन जो कि रिकॉग्नाइज्ड है स्टेट द्वारा, ठीक। और फोर्थ वो इंस्टीट्यूशन जो रिसीव करते हैं फाइनेंशियल एड, अब एड जो किसी तरीके हो सकती है फाइनेंशियल एड हो गई या कुछ और हो गई, ठीक, फ्रॉम स्टेट। तो ये चार तरीके के इंस्टीट्यूशन है जो कि आर्टिकल 28 में जिनकी बात की गई है। सबसे पहला इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय द स्टेट, सेकंड इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट मतलब एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश्ड अंडर एन एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट, थर्ड इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, एंड फोर्थ इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। तो अब देखते हैं हम इन चारों इंस्टीट्यूशन में कहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड है या कहाँ पे वो परमिटेड है। तो हमारा सबसे पहला टाइप जो था इन पहला मतलब फर्स्ट टाइप जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इज कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड, मतलब कि जहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो है वो मेंटेन किया जाता है स्टेट द्वारा, होली मेंटेन किया जा रहा है स्टेट द्वारा, वहाँ पे जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन होगी वो कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है। सेकंड टाइप जो थी यहाँ पे स्टेट द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा मगर वो एस्टेब्लिश ही गई इंस्टीट्यूशन एंडोरमेंट या ट्रस्ट के द्वारा, तो वहाँ पे क्या होता है वो परमिटेड है, वहाँ पे क्या वो परमिटेड है, ठीक है। मगर थर्ड और फोर्थ यहाँ पे इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट है या यहाँ पे इंस्टीट्यूशन रिसीव करती एड फ्रॉम द स्टेट, यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन परमिटेड बट ऑन वॉलंटरी बेसिस। इसके बाद कुछ हम केस देखते हैं आर्टिकल 28 से रिलेटेड। सबसे पहला आता है डीएवी कॉलेज जुलंधर वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1971 सुप्रीम कोर्ट। दी स्टेट ऑफ पंजाब यहाँ पे फैक्ट क्या था वो देख लेते हैं। सबसे पहले दी स्टेट ऑफ पंजाब एस्टैब्लिश गुरु नानक यूनिवर्सिटी विद अ व्यू टू मेक प्रोविजन फॉर द स्टडी एंड रिसर्च ऑफ द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक। अब देखिए यहाँ पे आपने अभी तक देखा था जहाँ पे स्टेट द्वारा कोई चीज अगर एस्टैब्लिश की जा रही है या एस्टैब्लिश की जा रही है तो वहाँ पे अगर कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस की जाती है तो मतलब रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं की जा सकती ना, तो उसी रिलेटेड केस है यहाँ पे। इसमें ये कहा गया था दिस प्रोविजन वाज चैलेंज्ड अंडर आर्टिकल 28 क्लॉज 1 ऑन द ग्राउंड दैट यूनिवर्सिटी बीइंग होनली मेंटेन्ड बाय द स्टेट फंड। यहाँ पे ये कहा गया कि जो गुरु नानक यूनिवर्सिटी है वो पूरी तरीके से स्टेट फंड पे ही चलती है, स्टेट द्वारा गवर्न की जाती है, जो स्टेट से फंड देती है उसी पे चलती है वो। तो इसीलिए ये जो यूनिवर्सिटी है वो आर्टिकल 20 क्लॉज 1 पे आर्टिकल 28 में कहा कि जो मतलब आप इंस्ट्रक्शंस प्रोहिबिटेड होगी तो आप इस यूनिवर्सिटी में जो एस्टैब्लिश की गई लाइफ टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक ये नहीं होगी, आप ये ऐसा नहीं कर सकते और ये चीज प्रोहिबिटेड है आर्टिकल 28 क्लॉज 1 के तहत। तो आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द चैलेंज एंड हेल्ड दैट फॉर एन एकेडमिक स्टडी Research in the life and teachings of any great saint of India could not be considered as providing for religious instructions. तो ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब कि यहाँ पे academic study के लिए मतलब religion से related कुछ नहीं है वहाँ पे, वो academic study के लिए उस चीज की पढ़ाई की जाती है तो वो आर्टिकल 28 क्लॉज 1 के अंदर प्रोहिबिटेड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट rejected the challenge and held that for an academic study, research in the life and teachings of any great saint of India could not be considered. मतलब इस चीज को हम ये नहीं कह सकते, ये नहीं मान सकते कि ये religious instructions देना होगा, तो इसीलिए कहा था ये यूनिवर्सिटी ये पूरी तरीके से valid है। इसके बाद जो केस है वो है अरुणा रॉय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2000 सुप्रीम कोर्ट। दी सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट आर्टिकल 28 डज नॉट बैन अ स्टडी ऑफ रिलीजन, मतलब कि वो स्टडी ऑफ रिलीजन को बैन नहीं करता है। The whole emphasis of Article 28 is against imparting religious instructions. So Article 28 laws, Article 28 जो हमारा वो study of religion को ban नहीं करता है, वो खाली religious instructions को ban करता है। The whole emphasis of Article 28 is against imparting religious instructions. There is no prohibition on the study of religion, philosophy and culture, particularly for having value-based social life. मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, रिलीजन को पढ़ के उसकी जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो गेन कर रहे हैं और अपनी जो लाइफ है उसे अच्छे तरीके से जी सकें, अच्छी तरीके से हम उसमें रह सकें, वो चीज मतलब कि हम वैल्यू बेस्ड सोशल लाइफ
उस उन स्टडी या फिलोसफी को पढ़ के उन कल्चर के बारे में जान के हम अपनी लाइफ जो सोशल लाइफ जो उसको अच्छे तरीके से जी सके, हम ये चीज कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे जस्टिस धर्माधिकारी जो थे उन्होंने कहा था स्टडी ऑफ रिलीजन इन स्कूल्स फॉर एजुकेशन कैन नॉट बी हेल्ड टू बी अगेंस्ट सेकुलर फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मगर यहीं पे अगर ये इंस्ट्रक्शन दी जा रही है तो वो सेकुलरिज्म की जो फिलोसफी उसके अगेंस्ट होगा और वो बैन होगा, वो प्रोहिबिटेड होगा आर्टिकल 28 क्लॉज 1 के तहत। तो स्टडी उन्होंने कहा स्टडी ऑफ रिलीजन इन स्कूल्स फॉर एजुकेशन कैन नॉट बी हेल्ड टू बी अगेंस्ट द सेकुलर फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देख लेते हैं जो हमारा आर्टिकल 20 जो हमारा आर्टिकल 19(1)(a) जो है जो बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आर्टिकल 25 और 26 जो की बात कर मतलब आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक ये पूरे जो बात करते हैं हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में। तो इन दोनों में हम कंपैरिजन करते हुए देखते हैं कहाँ हमारा राइट टू फ्रीडम वैलिड है और कहाँ तक हमारी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वैलिड है। तो अब हम आइए इन दोनों में कंपैरिजन करते हुए देखते हैं कुछ केसेस। सबसे पहले यूज ऑफ स्पीकर्स और साउंड एम्पलीफायर फॉर ऑफर ऑफ प्रेयर और नंबर फॉर ऑफर ऑफ प्रेयर और नमाज, कहाँ तक ये सही हम वो देखते हैं। मतलब कि अगर आप अपनी वर्शिप करने के लिए अपना प्रेयर या नमाज पढ़ने के लिए साउंड एम्पलीफायर का यूज करते हो, स्पीकर का यूज करते हो, क्या वो सही है? तो ये जो केस है वो है मौलाना मुफ्ती वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1989 कैलकटा हाईकोर्ट। यहाँ पे जो था कैलकटा हाईकोर्ट प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ स्पीकर एट अ पर्टिकुलर टाइम क्योंकि वो दस वॉलेट आर्टिकल 25। मतलब कि आपकी जो राइट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है प्रेयर करने का, मतलब आप जो कर रहे हो वो वॉलेट करता है आर्टिकल 25 को। क्यों, क्या रीजन दिया इसके पीछे हाई कोर्ट ने कैलकटा के, हम वो देखते हैं। कैलकटा हाई कोर्ट हेल्ड दैट द क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम डज नॉट अराइज एज नो रिलीजन रिक्वायर्ड दैट प्रेयर शुड बी परफॉर्म थ्रू वॉइस एम्पलीफायर एंड इफ अलाउड इट विल बी अगेंस्ट आर्टिकल 21। मतलब कि यहाँ पे कैलकटा हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं है जो ये कह, मतलब पूजा तो होनी चाहिए, वर्शिप आप कर सकते हो, नमाज पढ़ सकते, मगर कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं जो ये कह कि आपको नमाज अगर पढ़नी है तो साउंड एम्पलीफायर में ही पढ़ना है, स्पीकर्स में ही पढ़ना है, या अगर आपको या प्रेयर करनी है तो आपको साउंड एम्पलीफायर में ही करना है, स्पीकर्स में ही करना है। तो ये चीज ये नहीं कही गई है और ये सेंट्रल इंटीग्रल पार्ट नहीं है रिलीजन का। और इसके साथ ही साथ अगर हम इसे अलाउ कर देते हैं तो ये हमारे आर्टिकल 21 जो खिलाफ होगा, राइट टू स्लीप, राइट टू लिव इन हेल्दी, राइट टू लिव इन हेल्दी एनवायरमेंट, या ये सब चीजें जो आर्टिकल 21 के अंदर आती है तो ये उसके खिलाफ होगा। इसके बाद जो बेल्स बजती है चर्चेज में, रिंगिंग ऑफ बेल्स इन चर्चेज, कहाँ तक ये आर्टिकल 25 के अंदर सही है गलत है वो देखते हैं। तो चर्चेज ऑफ गॉड फुल गॉस्पेल इन इंडिया वर्सेस KKRMC वेलफेयर एसोसिएशन 2000 सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे ये कहा गया कि जो रिंगिंग ऑफ बेल्स जो है इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड एज इट मेक लिसनर्स और ऑडियंस एज कैप्टिव ऑडियंस या लिसनर्स। मतलब कि जैसे कि बेल्स आप अगर चर्च अगल बगल रह रहे हो, ठीक है, आप प्रेयर नहीं कर रहे हो, ठीक, मगर जब वो बेल बजती है तो आपको तो वो सुनाई दे रही है ना। मतलब कि भले आप अगर उस चीज को नहीं सुनना चाहते हो फिर भी आपको सुनना पड़ रहा है। तो इन ऑडियंस को, इन लिसनर्स को आप कहते हैं कैप्टिव ऑडियंस, उन लिसनर्स को आप कहते हैं कैप्टिव ऑडियंस या लिसनर्स। मतलब कि वो खुद नहीं चाहते वो सुनना मगर उनको फिर भी वो चीज सुनना पड़ रही है, ठीक। तो ये चीज होती है कैप्टिव लिसनर्स। तो इसीलिए ये रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है क्योंकि ये जो लिसनर्स होते हैं, जो ऑडियंस होते हैं, उन्हें कैप्टिव ऑडियंस या लिसनर्स बना दिया जाता है। मतलब कि वो नहीं सुनना चाहते फिर भी उन्हें सुनना पड़ रहा है। तो इस चीज को भी हम बैन कर सकते हैं, इस चीज को भी हम प्रोहिबिट कर सकते हैं। इसके बाद यूज ऑफ क्रैकर कहाँ तक परमिसेबल है, तो अरुणा गोपाल वर्सेस जीन ऑफ इंडिया 2017 सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे ये कहा गया इफ इफ क्रैकर आर बियॉन्ड परमिसेबल डेसिबल लिमिट देन यस दिस क्रैकर्स एंड देयर यूज कैन बी प्रोहिबिटेड। यहाँ पे देन होगा, एम ये लिखती है सॉरी। तो अगर जो क्रैकर्स हैं वो हमारे परमिसेबल डेसिबल लिमिट के ऊपर जा रहे हैं, मतलब कि जैसे कि दिवाली में आपने देखा होगा या दशहरा पूजा में देखा होगा, तो इन सब फेस्टिवल्स में क्रैकर्स फोड़े जाते हैं, ठीक है। तो क्या ये चीज आप जो कर रहे हो ये आपके 25 के अंदर परमिटेड है, क्या ये प्रोहिबिटेड है? तो ये चीज जो होगी, ये यूज ऑफ क्रैकर्स जो होगी ये परमिसेबल नहीं होगी, वो उस चीज तक परमिसेबल होगी जहाँ पे वो हमारे जो डेसिबल लिमिट फिक्स की गई है क्रैकर्स के लिए वो उसके नीचे हो। अगर उसके ऊपर चली जाएगी तो वो क्रैकर्स और उनका यूज प्रोहिबिट किया जा सकता है। अब नॉइज पोल्यूशन जो होता है क्रैकर्स के या जो हमारे हम एम्पलीफायर या ये सब चीजें यूज करते हैं, तो इनसे जो नॉइज पोल्यूशन होता है उनके उससे रिलेटेड
कुछ रूल्स है यहाँ पे। तो एक ये केस था एनरी नॉइज पॉल्यूशन केस 2005। यहाँ पे क्या हुआ था कि एसॉल्ट किया गया था, एसॉल्ट ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड गर्ल हुआ था, ठीक है, हो रहा था, और वो बुला रही थी लोगों को हेल्प करने के लिए, मगर साउंड नॉइज पॉल्यूशन इतना ज्यादा था कि लोग सुन ही नहीं पाए कि वो बच्ची जो थी वो बुला रही थी और वो हेल्प नहीं कर पाए। इसी के बाद हमारा नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल जो थे इसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। वो क्या थे? सुप्रीम कोर्ट गिव डायरेक्शन दैट नो लाउड स्पीकर और एम्पलीफायर कैन बी अलाउड टू बी यूज आफ्टर 10 o'clock टू 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मतलब कि 10 बजे से लेकर रात में सुबह 5 बजे तक लाउड स्पीकर को और एम्पलीफायर का यूज आप नहीं कर सकते हो। ये नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 के अंदर प्रोहिबिटेड। मगर आपने देखा होगा कुछ फेस्टिवल्स आते हैं तो उसमें रात रात भर बजते रहते हैं सब चीजें, तो यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दी थी गवर्नमेंट ने और ये कहा था कि स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि फेस्टिव सीजन जो होते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर टू रिलैक्स दिस रूल। कौन सा रूल? ये 10 से 5 वाला जो रूल है, ड्यूरिंग फेस्टिवल बट ओनली फॉर 15 डेज कवरिंग ऑल कम्युनिटी एंड रिलीजन। मतलब की खाली जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कहा गया है, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो होगी वो रिलैक्स कर सकती है इस रूल को खाली 15 दिनों के लिए। 15 दिनों में क्या क्या, अगर कुछ भी है इसमें, रमजान है, दशहरा है, दिवाली है, कुछ भी जो भी चीजें आती हैं इसमें, वो सब कुछ 15 डेज जो होंगी इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट होगी खाली 15 दिनों के लिए किसी भी रेस्पेक्टिव ऑफ एनी कम्युनिटी और रिलीजन, इस चीज को जो है वो थोड़ी रिलैक्स कर सकती है। इसमें रिलैक्सेशन क्या है वो ये है कि 10 बजे से लेके अब जो पहले 10 से 5 होता था वो 12 से 6 कर दिया गया। ये पूरा था हमारे 3 पार्ट में जो हमने डिस्कस किया। हमारा सबसे पहला पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किया आर्टिकल 25 के बारे में, सेकंड पार्ट जो था हमारा इस सीरीज का उसमें हमने डिस्कस किया आर्टिकल 26 के बारे में, और जो थर्ड पार्ट था ये वाला उसमें हमने बात किया आर्टिकल 27 और 28 के बारे में। तो आई होप इन तीनों वीडियो के बाद आप पूरे डाउट राइट टू रिलीज फ्रीडम के बारे में क्लियर हो गए होंगे और आपको आर्टिकल 25 से 28 तक लेके समझ में आया होगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इग्नाइटिंग योर क्वेस्ट फॉर नॉलेज।